नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। दोस्तों, जैसा कि आपने बोला था कि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की जो भर्ती होती है सिविल की, तो उसमें आपको हमने 5-6 वीडियो बनाई है। हर किसी कैटेगरी की अलग अलग वीडियो बनाई है। तो आपके कमेंट आ रहे थे कि सारी वीडियो आ चुकी हैं लेकिन प्रमोशन और होलीडे, तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जो कहते हो मैं वो बनाता हूँ, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही है और सारी जानकारी आपके लिए ऐसे ही आती रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कितनी छुट्टी मिलेंगी महीने में, साल में, ठीक है, और आपको प्रमोशन कैसे और कितना मिलेगा, ठीक है। तो सारी जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरा देखोगे तभी तो आपको सारी जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। और अगर आपको उसमें कितनी एज होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, होम वगैरह में कितनी, मतलब कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, सैलरी कितनी होती है, सिलेबस क्या है एग्जाम का, तो सारी जानकारी आपको नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन में आपको सारी वीडियो की लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग जाके उन वीडियो को जरूर देखना, आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। दोस्तों, ये जो सिविल भर्ती होती है इसमें आपको क्या है, सबसे पहले महीने से, मतलब हम छुट्टियों से लेके करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब होलीडे की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले महीने की बात लेते हैं, ठीक है। अब महीने में दोस्तों आपको क्या होता है कि, तो दोस्तों आपको दो तो शॉर्ट लीव मिलती है। दोस्तों, शॉर्ट लीव क्या होता है? दोस्तों, शॉर्ट लीव ये होता है कि जैसे आपका सुबह टाइमिंग है 9 बजे की, दोस्तों आप 1 या 2 घंटे लेट जा सकते हैं। वो टाइम तो दोस्तों फिक्स होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे आपका 9 बजे से ड्यूटी है तो आप 10 बजे जा सकते हो, ऐसे आपकी दो होती हैं, या तो जाते समय या शाम को, जैसे 5 बजे आपकी छुट्टी होती है तो 1 घंटा पहले 4 बजे आप वहाँ से आ सकते हैं। ये शॉर्ट लीव होती है, 1-2 घंटे आप शॉर्ट लीव लगा के आ सकते हैं। ये महीने में 2 मिलती हैं, ठीक है, और 1 मिलती है दोस्तों आपको हाफ लीव। दोस्तों लिख लेना अगर आपको वैसे मतलब लिखनी हो तो, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा बनाने नहीं वाले हैं, ठीक है, स्लाइड वगैरह, तो वैसे ही बता देते हैं क्योंकि छोटी सी जानकारी है। दोस्तों, दो तो आपको शॉर्टली मिलेंगी जो कि 1-2 घंटे आप मतलब लेट हो सकते हो या जल्दी आ सकते हो ऑफिस से, ठीक है। 2 शॉर्ट लीव और 1 हाफ लीव। हाफ लीव होता है दोस्तों महीने में 1 दिन, मतलब आप आधे दिन काम करके आ सकते हो, ठीक है। जैसे मतलब होता नहीं, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, 12 बजे से पहले 12 बजे के बाद, जैसे आपका सेकंड हाफ छोड़ सकते हो, फर्स्ट हाफ छोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपकी हाफ डे की लीव होगी। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जो भी वीकेंड होता है, मतलब आपकी संडे की तो छुट्टी रहती रहती है, लेकिन सैटरडे को क्या होता है, आपको हर सैटरडे को आपकी हाफ डे होता है, ठीक है, मतलब आधे दिन काम करना पड़ता है, आधे दिन में छुट्टी हो जाती है, ठीक है। तो हर सैटरडे को हाफ डे होता है, और इसमें क्या होता है, और दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सारी जानकारी आपकी जो भी मिलती रहती है वहाँ पर। और दोस्तों जो आपके फेस्टिवल वगैरह होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टियाँ होती हैं, वो सारी आपको मिलती हैं जो भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी 2 तरह की छुट्टियाँ होगी, कौन कौन सी, सॉरी 3 तरह की, 1 शॉर्ट लीव, 1 हाफ लीव और 1 आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडे जो फेस्टिवल वगैरह वो होते हैं। तो हर फेस्टिवल की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी होती है वो आपको मिलेंगी, ठीक है, 3 तरह की होगी। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों 1 अर्न लीव हम बोल सकते हैं, उसमें क्या है दोस्तों, आपको 1 साल में 40-50 जो भी छुट्टी मिलती हैं आपको मिलती हैं, ठीक है, 40-50 छुट्टियाँ मिलेंगी। दोस्तों अगर आप उन छुट्टियों को नहीं लेते हैं तो वो आपके खाते में जुड़ती जाएंगी, वो कभी कटेंगी नहीं, ठीक है। अगर आपने उनमें से 1 भी छुट्टी नहीं ली दोस्तों, जब आप रिटायरमेंट होगा आपका, तो उन सारी छुट्टियों के बदले में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, उन सबका पैसा मिलता है। वो अर्न लीव होती है वो 40 या 50 एक साल में मिलती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो आपकी 4-5 तरह की छुट्टी हो गई, 2 शॉर्ट लीव, 1 हाफ लीव और आपका सैटरडे को हाफ डे हो गया, और संडे की छुट्टी रहती है, और आपकी जो फेस्टिवल की होलीडे होते हैं वो हो गई, और 1 हो गया आपका अर्न लीव जो कि साल में आपको 40 या 50 छुट्टी मिलती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी छुट्टियां तो बहुत सारी हैं, काम कोई ज़्यादा नहीं होता, मस्त नौकरी होती है आराम की, ठीक है। अब बात आती है प्रमोशन की। दोस्तों इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रमोशन आपका ऐसे चलेगा, इसमें प्रमोशन का ही थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आप ट्रेडमैन मेट की उस पर गए 1-2 साल से पहले तो भूल ही जाओ कि आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन मिल भी सकता है। उसका क्या होता है, जैसे आप वहाँ काम कर रहे हो, अगर उसी यूनिट में आपकी वैकेंसी निकलती है आपसे ऊपर के वाली उसके लिए, ठीक है, तो आपके ऊपर जो भी कैटेगरी होगी उसके लिए भर्ती निकली है, आप उसका आवेदन कर सकते हो और वहाँ से एग्जाम दे के वहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकते हो, आपका प्रमोशन ऐसे हो सकता है एग्जाम दे के। या दोस्तों कैसे होता है, जैसे कोई सीनियर है आपका,
ठीक है, वो रिटायरमेंट में जा रहा है या छोड़ के जा रहा है दोस्तों, तो रिटायरमेंट या छोड़ के जा रहा है तो दोस्तों उसकी जगह पर आप जा सकते हो टेस्ट वेस्ट दे के। तो और दोस्तों ये तो होगी प्रमोशन की बात, और सैलरी दोस्तों अगर आपका प्रमोशन भी नहीं होता तो आपकी सैलरी हर साल बढ़ती ही रहती है। इसमें प्रमोशन का कोई ऐसा नहीं है कि आप मतलब पहले कॉन्स्टेबल बन गए फिर दरोगा बन गए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्रमोशन ऐसा ही है, सैलरी बढ़ती रहती है, कोई प्रमोशन का ज़्यादा उसमें चक्कर नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमको ऐसा दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और दोस्तों हाँ, इस भी जानकारी को अब ज़रूर सुनना जो हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होगे या किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे होगे, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको जीके स्टैटिक जीके की तैयारी कराऊँ तो मैं उसकी तैयारी करा सकता हूँ। आप लोग चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, तो वो मैं करा दूंगा। या कोई भी जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखना, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जीके की जानकारी चाहते हो तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, पूरी सीरीज बना देंगे 100-200 वीडियो की, तो वो भी आपको मिल जाएगी, तो आप बताना। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल पर बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारी प्यार भरी दिल से राम राम।